इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से सिलाई से बचे हुए जो हमारे पास सिलाई से बचे हुए कतरन बच जाते हैं उसका इस्तेमाल कर दिखाएंगे इस वीडियो में। तो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, आप इसे कुशन भी बना सकते हैं, डोरमेट, फ्लोरमेट, टेबल कवर, आप इसे बेडशीट, बेबी बेडशीट इस तरीके से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका फ्लावर कितना प्यारा लग गया और ये हमारे सिलाई से बचे हुए कतरन है। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से हम डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास सिलाई से बचा हुआ कपड़ा था तो हमने इसको यूज किया है। तो इसके लिए हमने इस तरीके से शेप में कार्डबोर्ड को कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फैब्रिक है इसी तरीके से रखना है और हमने इस तरीके से सिलाई मतलब लाइन ड्रॉ करना है इसी के साइज और हमें इस तरीके से कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमें कितना पीसेस लेना है ये भी बता दें और इस तरीके से आप देख लें कि इस तरीके से जिस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कराया है उसी पर हमने कटिंग किया है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हमारा है 18 पीसेस हमने इस तरीके से किया है। तो ये जो हम पीसेस को कट कर रहे हैं वो हमारा डबल है तो हमने दो साइड से इस तरीके की इससे किया है और इसको हमने कटिंग कर दिया। तो आप लोग को वीडियो में लगेगा कि एक पीसेस को हमने कट किया है, नहीं तो इसको हमने डबल कट किया और सिलाई भी हमें इस तरीके से करना है। तो आगे पूरा वीडियो में आप लोग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने बनाकर बताया है। अगर आप लोग को हमारे वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पर या आप कमेंट में भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस शेप में कटिंग कर लिया है, जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने बहुत ही सारे पीसेस को कट कर लिया, देख सकते हैं इस तरीके से हमने डबल में कट किया। अब इसको हमें इस तरीके से रखना है और इसको हमें सिलाई कर लेना है। तो सिलाई हमें किस तरीके से करना है ये देख सकते हैं। पहले हम इसको नीचे की साइड रखेंगे, आप चाहे जैसे सिलाई करिए एक साइड आपको खुला रखना है तो जिधर आपको खुला रखना है उधर नीचे की साइड रहेगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से किया है और इसको हमने इस तरीके से किया है। तो ये देखिए हमारा सिलाई हो गया। अब इसको साइड में करेंगे। अगर इस तरीके से आप एक एक पीसेस को सिलाई करेंगे तो बहुत ही मतलब टाइम लगेगा हमें। तो किस तरीके से करना है देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो नीचे की साइड रखेंगे और एक एक साइड से हम इस तरीके से सिलाई करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से अब इसको कर देंगे कटिंग। तो हमने कटिंग कर दिया, तो देखिए एक साइड हमने सिलाई कर ली इस तरीके से नीचे की साइड, फिर दोबारा रखेंगे और ये देखिए कॉर्नर से मिलाएंगे और सिलाई कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमें सेम ही करना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से दूसरी साइड सिलाई कर लिया है और अब इसको कर देंगे कटिंग। तो जितना भी हमारा पीसेस है इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया, अब इसको हम सीधा करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने आपको शुरू में भी बताया था कि ये हमारा जो हम सिलाई कर रहे हैं उस तरीके से हमारा डबल है। तो इसको हम कॉर्नर निकाल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप बेड शीट भी बना सकते हैं, सिंगल डबल बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। थोड़ा मेहनत भी लगेगा तो जो भी काम करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसमें मेहनत तो है कोई भी काम करिए आप। तो ये देखिए बनने के बाद बहुत ही, अगर आप लोग बेड शीट बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। आप लोग ज़रूर बना कर ट्राई करिएगा, छोटा भी और बड़ा भी जिस तरीके से आप चाहें। तो इसको हमने देखिए इस तरीके से रखा है और ये देखिए जितना भी हमारा पीसेस था हमने इस तरीके से पूरे पीसेस को सिलाई कर हमने सीधा कर लिया, देख सकते हैं। तो देखिए हमें इस तरीके से रखना है। तो हमारा इतना पीसेस था हम तो हमने कर दिया। अब नीचे का जो हमारा ये है 13.5 इंच लंबाई और 13.5 इंच चौड़ाई, हमने इसको कोशन बनाना है। तो इस तरीके से हमने फेब्रिक प्लेन लिया है, नीचे की साइड भी इसी तरीके से लेंगे सेम ही। तो हमें क्या करना है, बीच में हमें इस तरीके से ड्रॉ कर देना है कुछ भी आपको, और इस तरीके से हमें जितना भी पीसेस है पूरे को रख लेना है। तो पहला लाइन हम, अब हमें दूसरा लाइन इस तरीके से रखना है। तो हमें पहला ये आप लोग को कर बता दे रहे हैं। तो पहला हमें क्या करना है, इसको जिस तरीके से हमने रखा था इसको हटा देंगे। तो हमने हटा दिया, अब इसको पिनअप कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जितना भी हमारा पीसेस है इस तरीके से 9 पीसेस को हमने पहले रखना है और 9 पीसेस हमें बाद में रखना है। तो ये देखिए हमने पिनअप कर लिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको कर देना है साइड में। अब हमें सिलाई कर लेना है। तो जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं उसी तरीके से हमें रखना है और सिलाई करना है। तो जो सिलाई है इसी तरीके से करेंगे आराम आराम से, कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे। तो इसी तरीके से हमने ये देखिए इस साइड सिलाई कर दिया राउंड राउंड करते हुए। तो ये जो फ्लावर बना रहे हैं, नीचे का कपड़ा आप वाइट ले सकते हैं और रेड रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी कलर ग्रीन रख सकते हैं। और ऊपर का जो है ये जो हमारा येलो है, और हमने जो दो कलर यूज किया है इसमें, तो आप लोग को अभी पहला कलर बता दे रहे हैं। तो इस तरीके से दो ही कलर इसमें यूज होगा। तो एक चॉकलेटी कलर का है हमारा,
और एक हमने इसको येलो लिया है, और नीचे का आप व्हाइट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम बचे हुए सिलाई से बचे हुए कतरन का यूज करते हैं कपड़े का, तो इस तरीके से हमने इसी पीसेस को लिया है। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया, जो पिनअप किया था हमने उसको हटा दिया। अब हमें इस तरीके से रखना है, ये देखिए जहाँ पर हमने रखा था उसके ऊपर से रखेंगे, तभी ये हमारा जो फ्लावर है वो बनकर अच्छे तरीके से कम्प्लीट होगा। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे। तो आप अगर इसमें सिलाई इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो आप इसको पिनअप कर लीजिए फिर सिलाई करिए। हमें इस तरीके से डायरेक्टली मतलब इसको सिलाई कर लेना है, हमें पिनअप नहीं करना है। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर रख लिया, तो दो लेयर में आपको करना है, एक को हमने सिलाई कर लिया था, अब दूसरे में भी सेम सिलाई करेंगे। तो इसको हम ये देखिए सेट कर दिए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसमें सिलाई कर दिया। ये देखिए इस तरीके से आराम आराम से सिलाई करेंगे कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे, तभी हमारा जो डिजाइन बनेगा अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ बनकर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमें आराम आराम से सिलाई करना है, इसलिए हमने आराम आराम से कर रहे हैं कि हमारा स्लो स्लो, कि हमारा जो हमने पिनअप भी इसमें नहीं किया है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो डिजाइन नहीं बनेगा अच्छे तरीके से। तो हम इसको आराम आराम से कर रहे हैं, आप पिनअप कर दीजिए तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें राउंड राउंड में कर देना है, ये देखिए। तो हमने इस तरीके से इसको राउंड में कर दिया, अब इसको कर देंगे कटिंग, ये देख सकते हैं कटिंग करेंगे जो धागा एक्स्ट्रा। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखिए चॉकलेटी कलर को हमने लिया था, तो इसको हमें इस तरीके से रखना है। तो ये जो हमारा, आप इसको चॉकलेटी या भूरा भी कह सकते हैं। तो हमारा ये जो है कलर, हमने 5-6 इंच लंबाई 6 इंच चौड़ाई लिया है, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हमें राउंड में कटिंग कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से राउंड में हमने इसको कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से बीच में रखना है और इसको अच्छे तरीके से बराबर करते हुए राउंड राउंड हमें सिलाई करना है। तो ये देखिए हमने येलो धागा लिया, तो हमें येलो नहीं यूज करना है इसके ऊपर, जिस कलर का हमारा है उसी कलर का हम यूज करेंगे। तो हमारे पास ये कलर नहीं था, हमारे पास ब्लैक था, तो हमने इसको ब्लैक भी यूज कर दिया, तो नहीं दिखेगा। तो ये देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए आराम आराम से हम सिलाई करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे। तो ये देखिए हमने राउंड राउंड इस तरीके से सिलाई कर देना है। तो हमने सिलाई कर दिया, अब इसको हमें कर देना है इस तरीके से। हमने ये देखिए अब हमारा ये जो डिजाइन है इस तरीके से बनकर तैयार है। आप अगर इसको कुशन में बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, बेड शीट बनाए या कुशन कवर, तो हमें इसको अच्छे तरीके से ये सेट रहे, तो इसके ऊपर से हमें सिलाई करना है। तो जो नीचे का पीसेस है उसको सिलाई नहीं करना है, ऊपर की साइड हमें यही रखना है और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर ऊपर से इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए जितना भी हमारा इस तरीके से पीसेस था, हमने इसके ऊपर ऊपर से सिलाई कर लिया। अब इससे ये जो हमारा डिजाइन बनकर तैयार हुआ है, आप इससे कुशन बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं, और बड़े में बनाइएगा अगर डोरमेट डिजाइन बनाना है तो, और आप इससे जो भी चाहे आप बना सकते हैं, बेड शीट बनाना सकते हैं, बेबी बेड शीट बना सकते हैं, सिंगल डबल या कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से बनकर आया है। अब हमें क्या करना है इसमें, तो इसका फाइनल लुक इस तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं हमने ऊपर से भी सिलाई कर लिया, तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, बेड शीट भी बना सकते हैं। तो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, ये सिलाई से बचा हुआ हमने यूज किया है, और नीचे की साइड आप व्हाइट रख सकते हैं, जो भी कलर आपके पास हो रख सकते हैं। हमारे पास यही कलर था, हमने कोई भी इसे मार्केट से कपड़ा नहीं लाया है, सिलाई से बचा हुआ कपड़े को हमने यूज किया है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग सिलाई करती हैं तो इसी तरीके से पीसेस को मत फेंकिए, और इसी तरीके से आप बना सकते हैं छोटा मोटा डिजाइन भी, कुछ भी अपने काम का यूज बना सकते हैं घर में।
तो आई होप आप लोग को डिजाइन पसंद आया होगा और हमारे बताने का तरीका भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग को डिजाइन पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, और जब मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इस तरीके से आप लोग देख सकें नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब खुदा हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।